एक ऐसी लड़की जो पैसे के लिए क्या क्या करती है जानेंगे इस वीडियो में। आज हम 2010 में रिलीज हुई ड्रामा और रोमांस मूवी स्टूडेंट सर्विस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लोरा एक इंटेलिजेंट गर्ल होती है। फिल्म की शुरुआत क्लास से होता है। लोरा बेचैन होती है और अपने पेट पकड़ कर बैठी होती है क्योंकि उसके पेट में दर्द होता है। लोरा दर्द को सहन नहीं कर पाती और क्लास में ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं वो बहुत कमजोर हो गई है क्योंकि वो सही से खाना नहीं खा रही होती है। लोरा फाइनेंशियली बहुत ही वीक होती है, मुश्किल से कॉलेज का फीस जमा कर पा रही थी। लोरा की टीचर उसे हेल्दी रहने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा मीट खाने के लिए करके कहती है, पर लोरा मना कर देती है क्योंकि मीट उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। इस पर टीचर कहते हैं कि वो अपने मॉम डैड पर ना देखभाल करने का केस कर सकती है। लोरा मना कर देती है, कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे दे सके, क्योंकि लोरा के मॉम डैड बहुत बूढ़े होते हैं। लोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करके अपार्टमेंट में रह रही होती है। अपार्टमेंट का किराया दोनों मिलकर देते हैं क्योंकि दोनों फाइनेंशियली वीक होते हैं। लोरा असलियत में बहुत मेहनती और स्मार्ट लड़की होती है। वो कॉलेज के बाद वो पैसे के लिए फ्रीलांसर का काम करती है। लोरा का बॉयफ्रेंड उसके जैसा नहीं होता है। उसका बॉयफ्रेंड काम करने में बहुत ही लेजी होता है। यहाँ तक कि जब वो घपाघप कर रहे होते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड चुप होकर करना पसंद करता है ताकि वो आराम से मजे ले सके। उसी समय बिजली चली जाती है क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल नहीं पे किया होता है। सैलरी कम होने की वजह से वो एक और पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगती है। इंटरनेट पर बहुत देर ब्राउज करने के बाद उसे एक वेबसाइट पर मसाज का जॉब मिलता है, जिससे जो नाम के एक आदमी ने ऐड डाला होता है जो हॉट गर्ल को मसाज के लिए ढूंढ रहा होता है। लोरा जॉब के लिए अप्लाई कर देती है क्योंकि उसे इस जॉब में अच्छा सैलरी मिल रहा था। जो लोरा को अपनी एक पिक्चर भेजने के लिए कहता है। लोरा पिक्चर भेजते हुए कहती है कि वो किसी के साथ फिजिकल नहीं होगी। लोरा जो उसे अगले दिन रिसोर्ट में मिलने जाती है। होटल रूम में जाने के बाद जो लोरा को एक नोट देता है जिसमें उसे इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि सबसे पहले कपड़े उतारना है। पहले तो झिझकती है, बाद में कपड़े उतार देती है। लोरा उसके अंडरवेयर उतार कर नहाने के लिए कहता है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अपना सारा कपड़ा उतार कर वो बैठा होता है। लोरा पूरी तरह से एम्बैरेसिंग महसूस करती है, लेकिन जो इसमें एक्सपीरियंस होने की वजह से वो लोरा को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। जो और लोरा अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। टाइम खत्म हो जाता है। बाद में जो लोरा को पैसा पे करता है। लोरा कॉल सेंटर में काम करती है। काम के दौरान वो फिर से उसी वेबसाइट पर जाती है जहाँ वो एक आदमी से मिलती है, जहाँ वो क्लाइंट उसे घंटे के हिसाब से $70 देने के लिए तैयार होता है। उस आदमी से मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट में जाती है। ये आदमी ऐसा कांड पहली बार कर रहा होता है, इसको लेकर डरा हुआ होता है, जिससे लोरा उसे सलाह देती है कि डरो मत। फिर दोनों एक पार्किंग में जाते हैं। लोरा इस समय काफी कॉन्फिडेंट होती है। लोरा अपने हाथों और मुंह का इस्तेमाल करके वो आदमी को घपाघप करने वाली मशीन को पावर देता है, पर वो आदमी मालिश के अलावा कुछ और भी करना चाहता था। लोरा को मजबूर करता है। फिर लोरा सारा मजा देती है। वो आदमी मजा लेने के बाद लोरा को वहीं अकेले छोड़कर भाग जाता है। फिर लोरा घर आती है। उसका बॉयफ्रेंड घर आता है। उसे देखते ही वो गले लग जाती है। उसे बॉयफ्रेंड से ज्यादा भाव ना देते हुए बेड पर लेट जाता है। तो लोरा कहती है, मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा जब मन करता है तब मेरे साथ इंटीमेट हो जाते हो, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम मेरे साथ नहीं होते हो। लोरा कहती है कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। लोरा घर छोड़कर चली जाती है। इसी बीच लोरा का एग्जाम भी काफी करीब आ गया था। फिर वो बेंजामिन नाम के एक आदमी से मिलती है। वो लड़का उसका क्लासमेट होता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में पढ़ रहे होते हैं। दोनों कुछ खाते हुए बातचीत करते हैं जिससे काफी क्लोज आ गए होते हैं। बेंजामिन लोरा को किस करता है। जब वो लोरा को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, वो दोनों फिर से किस करते हैं। अपने खाली समय में लोरा एडल्ट मैगजीन में मॉडल के तौर पर काम करने लग जाती है। फोटोग्राफर लोरा को एडल्ट वीडियो में काम करने के लिए कहता है। लोरा एडल्ट वीडियो में काम करने से मना कर देती है। कहती है, अगर मैं ये काम किया तो स्टूडेंट लाइफ मेरी बर्बाद हो जाएगी। मैंने बोल्ड पिक्चर खिंचवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को अपना बॉडी टच कर दूंगी। लोरा अपने एक दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी दोस्त बताती है कि मैं 20 से ज्यादा एडल्ट वीडियो में काम कर चुकी हूँ। इसमें बहुत पैसा मिलता है जो उसने एक्सपेंसिव जगहों पर खर्च किया होता है। लोरा को पता चलता है उसके दोस्त कई तरह के एडल्ट्स का काम कर रही है, जिसकी वजह से उसके क्लासमेट दोस्त एक्सपेंसिव चीजों खरीद पा रही हैं। लोरा फिर मेड की नौकरी करने लगती है। उसका बॉस उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत हॉट होती है। उसका अनुरोध लोरा को इंटीमेट होने के लिए पे करूंगा करके कहता है। लोरा कहती है कि मुझे कुछ समय सोचने के लिए चाहिए, पर कॉलेज फीस देना होता है, जिसके लिए लोरा उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। लोरा एग्जाम देती है और उसको अच्छे नंबर आते हैं। लोरा को अच्छा स्टडी करने के लिए लैपटॉप की जरूरत होती है क्योंकि उसका फाइनल एग्जाम होने ही वाला होता है। लेकिन लोरा के पास लैपटॉप खरीदने का पैसा नहीं होता है, जिससे वो अपने सबसे पहले कस्टमर जो से कांटेक्ट करती है। वो सोचती है कि वो कुछ हेल्प कर दे। अगले दिन लोरा जो से होटल में मिलती है। रूम में पहुंचते ही लैपटॉप दिखाई देता है, जिसे जो ने लोरा को गिफ्ट देने के लिए लाया होता है। जो इस एक्सपेंसिव गिफ्ट के बदले उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिससे लोरा उसके साथ इंटीमेट होती है। कांड होने के बाद लोरा जल्दी कपड़ा पहनकर लैपटॉप और पैसा लेकर वहाँ से घर चली जाती है। लोरा ने जो के साथ कांड किया था उसको लेकर बहुत परेशान होती है। अगले दिन लोरा बेंजामिन को घर बुलाती है ताकि वो अपना पेन को लेकर किसी के साथ बात कर सके। लोरा अपने एग्जाम के बारे में बताती है और उसे अपने काम के बारे में बता देती है कि वो एडल्ट सर्विस देती है। बेंजामिन उसको लेकर कोई परवाह नहीं होता है। लोरा को कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है। लोरा अब हर रोज एडल्ट
पुरस्कार भी देना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बेंजामिन के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर एक कस्टमर लोरा को सर्विस देने के लिए परेशान कर रहा होता है, जिससे उनका नाइट डेट खराब हो जाता है। लोरा एक दिन फिर से जो से मिलने जाती है, इसके बावजूद कि उसके साथ पहले जो ने क्या किया था। जब बेंजामिन इस बारे में पता चलता है तो इसको लेकर बेंजामिन लोरा पर गुस्सा होता है। बेंजामिन को लगता है कि लोरा सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रही है और उससे प्यार नहीं करती है। लोरा इसके लिए बेंजामिन से माफी मांगती है और बताती कि वो जो से मिलने नहीं जाएगी। लोरा प्यार से बेंजामिन को पेट पर किस करती है, लेकिन बेंजामिन इस सबसे परेशान हो चुका होता है, जिससे वो ये रिश्ता यहीं पर खत्म करने का सोचता है। लोरा भी अपना आपा खो देती है और दोनों लड़ने लग जाती है। कहती कि मुझे कॉलेज जाने के बाद नहीं पता था कि जिंदा रहने के लिए क्या करे। कहती कि मैं तुम्हारी तरह अमीर बाप की औलाद नहीं हूँ। वो गुस्से में फोटोग्राफ के पास जाती है और उसे अपनी सारी एडल्ट पिक्चर हटाने के लिए कहती है, पर फोटोग्राफ ये सब करने से मना कर देता है, जिससे लोरा ये फोटोग्राफ को मानने लग और वो हर चीज से परेशान हो गई होती है, जिससे वो हर चीज छोड़ने का फैसला करती है, जिससे वो नए जीवन स्टार्ट करने के लिए सोचती है। वो पैसे के लिए आखिरी बार ये काम करना चाहती है, जिससे वो जून के साथ 5 घंटे बिताने का $1,000 जो से मांगती है, जो मान जाता है। और लोरा को एक क्लब में अपने दोस्त के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिससे बारी बारी से उसके दोस्त लोरा के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन लोरा पैसे के लिए एक्स्ट्रा घंटे उनके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयारी हो जाती है, जिससे जू के बॉयफ्रेंड लोरा के साथ खतरनाक तरीके से गपागप करते हैं। खत्म होने के बाद ना करो बाहर आ जाती है। उनके दोस्त उनके साथ जो इंटीमेट होने के बाद काफी थक गई होती है, जिससे वो रेस्ट रूम में जा सो जाती है। इन आदमियों ने उसके साथ जो किया होता है उसको लेकर वो परेशान होती है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसके बिस्तर पर एक एनवलप मिलता है। वो वादे के मुताबिक $1,000 देना होता है, जिसमें जो ने सिर्फ $100 ही दिया होता है। जो ने एक लेटर लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि अगली बार जब हम फिर से मिलेंगे तो उसका सारा बाकी पैसा दे देगा, जिससे वो काफी दुखी होती है। इस सर को छोड़ने का फैसला करती है। जब वो पैरिस छोड़कर जा रही हो के पैसे के लिए काफी कॉल करती है, पर वो एक भी कॉल नहीं उठाती है। कुछ देर बाद जो खुद से कॉल करता है, कहता है कि मुझे कैंसर है और वो पैसा नहीं दे सकता है। लोरा पहले जाने के बाद अपने एक दोस्त के कमरे में रहने लग जाती है। लोरा अगले दिन काम करने के लिए बाहर जाती है, पर लोरा को कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई फुल टाइम करने वाले वर्कर को ढूंढ रहे होते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद एक रेस्टोरेंट में काम मिलता है। लोरा उस शहर में एक बार फिर से एग्जाम देने के लिए आती है। लोरा एग्जाम अच्छे से देती है। लोरा को ये जानकर हैरानी हो जाती है कि वो एग्जाम में फर्स्ट आई होती है। रिजल्ट को लेकर काफी खुश होती है और अपने एक नए उसके साथ पार्टी करती है। लोरा आखिरी बार जो को फोन करती है उसे बताने के लिए कि वो ग्रेजुएट हो चुकी है। कहती है कि अब वो काम नहीं करती और वो अच्छा लाइफ जी रही है, वो एक राइटर बन चुकी है। ये कहते ही अगले सीन में वो लोरा इंटरव्यू दे रही होती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।